सभी जगह है वो तो पूरा जान ये तो 100% सब देख ले भैया तो सब कुछ नहीं वजह पूरी जरा भी जरे फिर बताएंगे पूरे पट्टे का पट्टे ही गया ऐसा कहीं मेरे खेत में भी एक बार ऐसे हुआ और मेरे गांव में मेरे खेत में गिरा तो मैंने कहा चलो भगवान बाकी लोगों को ये तो है 100% क्या इसने तंत मार दिया क्या ये खत्म 100% देखो भाई सब लोग मैंने निर्देश दे दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए एक एक किसान के खेत में जाकर वीडियोग्राफी कर जिनका सही में नुकसान हुआ एक को मेरी छोड़ेंगे भले आधा एकड़ में हुआ एक एकड़ में तो उसका भी सर्वे करें और एक एक किसान लिख के दे किस किस के खेत में सब जाएंगे वीडियोग्राफी कराए पांच दस्ता के साथ आपका सर्वे होगा एक कापी आपको देंगे ताकि आप संतुष्ट रहें कि हाँ मेरा खेत का सर्वे हो और अगर नहीं मान लो किसी ने नहीं किया तो हमको सूचना कर सकता कलेक्टर को सूचना कर सकता ताकि उसके अंदर जाए और 72 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर एक एक किसान का सर्वे होकर बाकायदा पंचनामा बन के उनको कापी देंगे अरे भैया कहते मैं पहले किसान हूँ बाद में मंत्री हूँ और ये जो योजना कानून जो बना है ये कब से बना बताओ ईमानदारी से आरबीसी 6000 बीमा कब से मिल रहा है किसानों को कब से मिल रहा है ईमानदारी बताओ दिल्ली को घोषित हमने कराया बालागांव में बाबूलाल मोदी आज हमने मंत्री जी से विधायक है ना उसके बाद में आरबीसी में जब मैं मंत्री बना था और मुख्यमंत्री शिवराज जी बने थे 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब से लेकर 2005 तक कोई आरबीसी में परिवर्तन नहीं किया किसी ने 40 रुपये 20 रुपये 80 रुपये मिलते थे मैक्सिमम कितने नुकसान हो जाए लाखों का वो कानून में परिवर्तन ही मैंने किया मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और उसके कारण यहाँ 5 करोड़ भी पूरे प्रदेश को नहीं मिलते थे 5000 करोड़ मिल रहा है बीमा था क्या पहले कांग्रेस की सरकार ठीक है ईमानदारी भैया बीमा भी अटल जी जब प्रधानमंत्री बने देश में पहली बार फसल बीमा योजना आई और मोदी जी आए तब उन्होंने नया योजना जिससे अभी हमने कांग्रेस की सरकार आ गई थी 15 महीने के लिए 18-19 का बीमा नहीं दिया उन्होंने बीमा तो नहीं दिया और पाप किया कि जो अपनी फसल केसीसी जितनी होती है 100% फसल का केसीसी का बीमा हो जाता था उन्होंने सोचा कि प्रीमियम कम करना पड़े इसलिए 75% कर दिया अभी हमने 9,286 करोड़ 20 लाख रुपए 47,67,000 किसानों के खातों में डाले हैं मेरे मंत्री बनने के बाद शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद तो कांग्रेस की सरकार रहती थी ये 9,286 करोड़ नहीं मिलता वो भी चटकर जाते उसके बाद ये बीमा मिलता है 75% और ज्यादा अगर ये 75% नहीं करते हमने आते से वापस 100% किया क्योंकि हम किसान है किसान की हिते से पार्टी हमारी अपनी पार्टी और इसलिए किसानों के लिए जो कुछ भी किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और अभी भी हम करेंगे एक एक सर्वे कराएंगे आपको मालूम है जब दिल्ली आई थी अब 70,030 किसान थे हमारे 70,003 ही किसानों को हमने मुआवजा दिलाया 45 करोड़ और चेक और इसलिए इसमें भी एक एक किसान जिसका नुकसान हुआ है उसको 100% उसको बीमा से अगर बीमा है तो नहीं तो आरबीसी से उसको राहत दिलाएंगे सर्वे होगा आपके पास कापी रहेगी गांव वाले खुद लेकिन जिसका नुकसान नहीं हुआ इसके मान लो ये खेत में ओले गिरे और उसमें नहीं गिरे तो वहाँ नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा जिसका है वीडियोग्राफी होगी और वही उसे उस पर होगी फेसबुक ताकि गलत भी नहीं जानकारी दे सके तो जिनकी क्षति हुई है उनकी पूर्ति हम कराएंगे सर्वे होगा केसीसी बनती है केसीसी में वो गेहूं लिखते हैं चने लिखते हैं जो एक्चुअल लिखा है वो लिखा मैंने तो फिर करवाना चाहिए अपने संशोधन और ये पटवारियों को निर्देश दो जो फसल लिखी है वो लिखे नहीं तो जो फसल का हुआ अगर गेहूं है तो गेहूं पे लिखे नुकसान हुआ चाहे गेहूं हो या चना हो कोई फसल हो नुकसान की क्षतिपूर्ति कराएंगे और एक एक आदमी के पास पंचनामा रहेगा पंचायत में चिपका देंगे और एक कापी कलेक्टर के पास रहेगी और ये 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा
हम भेज रहे पटवारी को, हमारे आ रहे हैं हमारे कृषि विभाग के अधिकारी को, और ये दोनों मिलकर हो जाएगा। किसी को बहकने की आवश्यकता नहीं, किसी चक्कर में आने की जरूरत नहीं। और अगर कहीं नहीं हो रहा सर्वे तो आप मुझे को कलेक्टर को बोलना, तत्काल उस समय टीम आएगी और जाएगी, मीडिया के सामने भी होगा, पारदर्शिता के साथ। ये सरकार आपकी, किसानों की, आपका संकट हमारा संकट है। अब इसके आगे तो ऊपर वाले के आगे किसी का हाथ नहीं चलता, लेकिन हाँ, सहायता देने की और किसान को संबल देने की जिम्मेदारी हमारी है, हम दिलाएंगे। और अधिसूचित कर दो ताकि 25% राशि अभी इनको मिल जाए। बीमा तो कब आएगा, जब फसल कटेगी, अनवारी आएगी, जब उसके पहले दिला, ठीक है। कोई असंतुष्ट नहीं है कि किसान, लेकिन ये ध्यान रखना किसान भाइयों, तुम भी जिनका नुकसान हुआ वही शिकायत करे, अगर गलत कर दी मेरे खेत में नुकसान नहीं और मैंने, मेरे को भी चाहिए, तो उसकी वीडियोग्राफी होगी, गलत शिकायत करने में कार्रवाई भी हो, जिसका नुकसान है उसको मिलना चाहिए। आपका नुकसान नहीं हुआ, आपका हो गया, तो आप जब उपार्जन में ले आएंगे, खर्चा देखेंगे, हमने पूरा पैसा दे दिया, फिर उपार्जन में आप बोलो कि हमारे 50 क्विंटल आए, कैसे नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है, जिस किसान का नुकसान हुआ है, गरीब है, कोई भी बात, जिसका नुकसान है उसका एक्चुअल मिलेगा। आप लोग किसान जितने लिख के देना।